नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप न्यूज दर्शन देख रहे हैं, आप मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। अब हम बात करेंगे सनातनी सुनक के। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी हिंदू आस्था के लिए जाने जाते हैं। शुक्रवार को भारत पहुंचने पर उन्होंने कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है, वो हिंदू है, वो सभी त्योहार मनाते हैं। और आज वो अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की। उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. जब भी वक्त मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, वे भगवान के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते। इसलिए जब वो भारत में कदम रखते हैं तो खुद को आस्थावान हिंदू बताते हैं। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. शनिवार को दिन भर G20 की बैठक में मशगूल रहे, सुबह सुबह दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए। दिल्ली में सुबह सुबह रिमझिम बारिश हो रही थी। अक्षरधाम मंदिर के आसपास अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। बारिश के बावजूद दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। थोड़ी ही देर में एक बड़ा काफिला अक्षरधाम मंदिर पहुंचा। सुबह 6:51 पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता ने अक्षरधाम मंदिर में एंट्री की। मंदिर पहुंचते ही ऋषि सुनक भगवान की पूजा अर्चना में जैसे खो गए। नंगे पैर स्वामी नारायण के दर्शन किए और आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण और पार्वती परमेश्वर की पूजा अर्चना की। ऋषि सुनक की टीम ने मंदिर प्रशासन से 30 से 45 मिनट का वक्त मांगा था, लेकिन भगवान के दरबार पहुंचते ही ऋषि सुनक को समय का ख्याल नहीं रहा। इस दौरान सुनक के साथ में मौजूद उनके पर्सनल स्टाफ की नज़र मंदिर प्रशासन से समय कम होने की गुहार लगा रहा था। देखिए, उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है। तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब भी उनको पूजा करनी है, आरती करनी है, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, नर नारायण, पार्वती परमेश्वर, जिनकी मूर्ति के पास पुष्प रखने हैं, प्रार्थना करनी है, तो हम ना कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से उन्होंने सब वहाँ बहुत समय तक प्रार्थना, आरती और पूजा की। पूजा अर्चना में शामिल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने उन्हें अक्षरधाम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्हें अक्षरधाम मंदिर का एक मॉडल भी सौंपा। पत्नी अक्षता को भी गिफ्ट दी। उन्होंने पहले से हमको कह रखा था कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट है, बिटवीन 30 and 45 minutes, सो वी सेड व्हाटएवर यू से वी विल एग्री टू यू नो कम्प्लीट द प्रोग्राम एज सून एज यू से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो कहते रहे हमको ये दे, देखिए आप। दोनों दंपति करीब 52 मिनट तक मंदिर परिसर में रहे, फिर सुबह 7:43 पर अक्षरधाम मंदिर से बाहर निकले। बहुत बढ़िया रही, ऐसे आपको लगा है कि कोई आस्तिक आदमी है जिसको भगवान में श्रद्धा है, वो पूजा कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। इतने प्रेम से, श्रद्धा से, हमारे यहाँ कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर आपको श्रद्धा है तो और ज्ञान मिलेगा। ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद ऋषि सुनक अपनी संस्कृति और जड़ों को भूले नहीं है, इसलिए वे जब भी भगवान के दरबार में पहुंचते हैं उनमें खो जाते हैं। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, कई मौकों पर ऋषि सुनक को ये कहते हुए सुना गया है कि आई एम अ प्राउड हिंदू। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहली बार बतौर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच उनके भारत कनेक्शन की भी खूब चर्चा हो रही है। जब वो भारत पहुंचे हैं तो, क्योंकि ऋषि सुनक कई मौकों पर दोहरा चुके हैं कि उन्हें भारतीय मूल का होने पर गर्व है। आखिर क्या है ऋषि सुनक का भारत के साथ कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। A country I love dearly, a country where my family are from. ब्रिटेन के ऋषि दिल में भारतीय, खालिस हिंदुस्तानी। तस्वीरें गवाही देती है कि ऋषि सुनक भले ब्रिटेन में पले बढ़े हों, लेकिन मन से वो 100% हिंदुस्तानी है। उन्हें भारतीय परंपराओं का खासा ख्याल रहता है। दीपावली पर अपने घर के आगे वो दिए जलाना नहीं भूलते।
ब्रिटेन में रहकर भी गाय की पूजा करने से वो नहीं हिचकिचाते। आरती में हिस्सा लेने से भी उन्हें परेशानी नहीं है। जय सिया राम का नारा लगाने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जय सिया राम। और तो और गुरुवार के दिन वो उपवास भी रखते हैं। यकीन ना आए तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की सास सुधा मूर्ति की ये बातें सुनिए। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ऋषि सुनक दिल्ली आ चुके हैं। इस दौरान ऋषि सुनक का इंडिया कनेक्शन काफी चर्चा में है। बतौर प्रधानमंत्री पहली बार वो भारत आ रहे हैं, जिसे लेकर उनके परिजन भी बेहद खुश हैं। We are very happy that he is coming to India, and it's there is a great sense of excitement that we are trying to assemble in Delhi to if possible to greet him. With his consent only we can be made. ऋषि सुनक को भगवत गीता पर ऐसा भरोसा है कि ब्रिटेन के यॉर्कशायर से पहली बार सांसद चुने गए तो उन्होंने गीता को साक्षी मानकर शपथ ली। Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. वो खुद बताते हैं कि मुश्किल दिनों में उन्हें गीता से प्रेरणा मिली। Times of the most difficulty, what Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita. And she has done it. ऋषि सुनक खुद को गर्व से हिंदू बताते हैं। I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. एक जमाना था जब ब्रिटेन में भारतीय लोगों को कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था, और ये उनकी कल्पना से भी परे था कि एक दिन उनमें से ही कोई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। ब्रिटेन के सत्ता के गलियारे 10 डाउनिंग स्ट्रीट की ये उन दिनों की तस्वीरें हैं, जब सुनक को ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनाकर देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। बेहद कम समय में ऋषि सुनक ने लोगों का भरोसा जीता और फिर वित्त मंत्री से वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद भी ऋषि सुनक ने अपने भारतीय जड़ों को कभी नहीं भूला। इस वीडियो में देखिए कैसे सुनक अपने परिवार के किसी सदस्य को ब्रिटेन में अपने घर आने का न्योता दे रहे हैं। मामा, I've got somebody to say hello to you. Vijay mama, hi. It's Rishi. How are you? Hopefully you come here and come and see me. So when you get here, chat to your nephew, tell him to bring you to Downing Street. Take care. लेकिन ऋषि सुनक का दुनिया के पावर सेंटर तक पहुंचने की यात्रा कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक चले संघर्ष की कहानी है। लगभग 90 वर्षों पहले ये यात्रा अविभाजित भारत के पंजाब से शुरू हुई थी और 10 डाउनिंग स्ट्रीट मतलब ब्रिटेन के पीएम के आधिकारिक आवास तक पहुंची। सुनक के दादा दादी भारत से अफ्रीका में बस गए थे। ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक अफ्रीका से ब्रिटेन चले आए थे। उधर ऋषि सुनक के नाना पंजाब से तंजानिया चले गए और माँ तंजानिया से ब्रिटेन आ गई। ब्रिटेन में ही ऋषि सुनक के माता पिता की शादी हुई। Well, you know, obviously, you know, my wife is from here, from Bangalore. We got married in Bangalore. We used to spend lots of time together before we had children in Delhi, and we're trying to figure out if we can go to one of our old favorite restaurants this evening. But look, it's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from. और ब्रिटेन में ही ऋषि सुनक को भी अपनी जीवन संगनी मिली। स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत के मशहूर कारोबारी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से ऋषि सुनक की मुलाकात हुई और 2009 में इन दोनों ने शादी कर ली। सुनक की जन्मभूमि बेशक ब्रिटेन है, लेकिन वो माता पिता के मूल को कभी नहीं भूलते। और ये बात करते हैं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत रिश्ते की। बात दोनों शिखर नेताओं के बीच की शानदार केमिस्ट्री की कर रहे हैं, जो शिखर सम्मेलन के दौरान भी चर्चा में है। पीएम मोदी में किसी को भी अपना बना लेने की गजब की काबिलियत है और पर्सनैलिटी ऐसी कि बड़े से बड़ा नेता खींचा चला आता है।
ये पीएम मोदी की पर्सनालिटी की खासियत है कि वो किसी को भी अपना मुरीद बना लेते हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ भी पीएम मोदी की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम का गर्मजोशी से हाथ मिलाकर स्वागत किया, साथ ही उन्हें गले लगाकर अपनेपन का एहसास भी कराया। ऋषि सुनक के साथ पीएम मोदी की जो केमिस्ट्री दिल्ली के भारत मंडपम में देखने को मिली, वो महज एक दिन की मुलाकात से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई आत्मीय मुलाकातों का सिलसिला छिपा है। 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में दोनों नेता पहली बार मिले थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की। ऋषि सुनक अक्टूबर में पीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले थे। दोनों नेताओं के बीच दूसरी मुलाकात इसी साल जापान में हुई। 21 मई 2023 को हिरोशिमा में G7 समिट के दौरान दोनों नेता एक बार फिर मिले। इस बार दोनों के बीच ज्यादा गर्मजोशी देखने को मिली। पीएम मोदी किसी को भी अपना बनाने की कला जानते हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ मजबूत रिश्ते की शुरुआत उसी दिन शुरू हो गई थी जब सुनक ब्रिटेन के पीएम बने और पीएम मोदी ने बधाई देने में जरा भी देर नहीं लगाई। साथ ही वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने और रोडमैप 2023 को लागू करने की इच्छा भी वहीं के वहीं जता दी। इतना ही नहीं, G20 के लिए ऋषि सुनक जब एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका खास अंदाज में स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जय श्री राम के नारे के साथ उनका स्वागत किया। बदले में ऋषि सुनक ने भी अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, जय सियाराम। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम हैं और साथ ही उनकी शादी आईटी कंपनी इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई है। ऐसे में भारत में उन्हें देश का दामाद माना जाता है और साथ ही उन्हें खास सम्मान भी दिया जा रहा है। ऋषि सुनक को भी भारतीय मूल का और हिंदू होने का न सिर्फ एहसास है बल्कि उस पर गर्व भी करते हैं। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. जिस तरह से मोदी और सुनक के बीच शानदार केमिस्ट्री देखी जा रही है, उसी तरह दोनों देशों के बीच रिश्ते भी लगातार मजबूत और नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बाली और हिरोशिमा के बाद दिल्ली में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत से आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिली है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार 2021 से 2022 में $17.5 अरब था। 2022 से 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर $20.42 अरब हो गया। कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री के मुताबिक FTA होने से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। भारत ब्रिटेन संबंधों की मजबूती को 3 खास फैक्टर तय करते हैं। इसी के आधार पर दोनों देशों के रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। ब्रिटेन में विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भारत है। 600 ब्रिटिश कंपनियां भारत में निवेश करती हैं। ब्रिटेन की कंपनियां भारत में 600,000 लोगों को रोजगार देती हैं। ब्रिटेन में विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भारत है। 2020 से 2021 में ब्रिटेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 52,015 थी। दोनों के बीच 200 साल से भी ज्यादा पुराना संबंध है। दोनों देश सांस्कृतिक संस्थानों और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जुड़े हैं। साथ ही दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत रखने में ब्रिटेन में रहने वाले लाखों प्रवासी भारतीय अहम भूमिका निभाते रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते करीब 200 साल पुराने हैं। कई बातें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। बदलते दौर में दोनों देशों ने आपसी रिश्ते को लगातार नया आयाम दिया है। यही वजह है कि दोनों देशों के साथ संबंध बेहद मजबूत है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए